हेलो दोस्तों, क्या चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैटल करवाने जा रहे हैं अवेंजर्स वर्सेस हमारे इंडिया के सुपर विलन्स के बीच में, एंड जानने वाले से इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब कि क्या जो हमारे इंडिया के सुपर विलन्स हैं उनमें इतना दम है कि वो अवेंजर्स को बीट कर सकते हैं। सो, अगर आपको इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानना है तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं आज की हमारी फर्स्ट बैटल से, जो कि होने वाली है हल्क वर्सेस पक्षी राजन के बीच में। सो, पक्षी राजन को तो आप जानते होंगे कि वो कौन है। अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में। वो हमें देखने को मिला था 2.0 मूवी में। जी हाँ, 2.0 का मेन विलन पक्षी राजन, जिसको प्ले किया था अक्षय कुमार ने। उसके पास बेसिकली कई सारी सुपर पावर्स है, या यू कहूँ कई सारी सुपर नेचुरल पावर्स है, क्योंकि वो एक गोस्ट है। जी हाँ, वो मर चुका था एंड इस वजह से उसे हरा पाना या फिर मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि यार मरे हुए को क्या मारोगे तुम। बट अगर यहाँ पर मैं बात करूँ हल्क की, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने हल्क को यहाँ पर कंसिडर ही क्यों किया पक्षी राजन के अपोजिट में। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो हल्क है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से वो जो कि गोस्ट होते हैं, जो सुपर नेचुरल पावर्स होती है, उनको देख सकता है, यहाँ तक कि उनके साथ बातें भी कर सकता है। तो इसी वजह से मैंने उसको पक्षी राजन के साथ बिठाया। और यहाँ पर जो हल्क की सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि जो पक्षी राजन है वो अगर कभी भी किसी फिजिकल फॉर्म में आता है, यानी कि जैसे हमने 2.0 मूवी में देखा था कि वो बड़ा ईगल बन गया था एंड साथ ही में एक बड़ा ह्यूमन बन गया था वेव बिग की तरह, तो ऐसे ही अगर किसी फिजिकल फॉर्म में वो हल्क के सामने आता है उसे बीट करने के लिए, तो जो अपना हल्क है वो उसके हर एक फिजिकल फॉर्म को आसानी से तबाह कर देगा एंड बिना फिजिकल फॉर्म के वो हल्क को हरा भी नहीं पाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो विजेता निकल कर आता है वो हल्क ही है हर मायने में। बैटल नंबर 2, रावण वर्सेस आयरन मैन। तो यार जो रावण है, हम सभी जानते हैं कि वो जीवन का मेन विलन है एंड जीवन के मुकाबले में कई हजार गुना पावरफुल है, हजार या फिर 100 गुना पावरफुल है। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ आयरन मैन की, तो यार आयरन मैन को हम सभी जानते हैं कि उसका ओपोनेंट चाहे कितना भी ज़्यादा पावरफुल हो, अगर आयरन मैन को उसके ओपोनेंट की जरा से भी भनक लग जाती है तो यार वो प्रिपरेशन टाइम पाकर अपने ओपोनेंट को आसानी से बीट कर सकता है। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ रावण की, तो जो रावण है हम सभी को ये भी पता है कि उसे बिना उसके हार्ट के कोई मार ही नहीं सकता, और अगर उसे मारना है विद उसके हार्ट के, तो भी एक स्पेशल बुलेट होती है जो कि सिर्फ जीवन के पास होती है। मे बी उस बुलेट को आयरन मैन क्रिएट कर सकता है, बट उसके हार्ट को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट जो आयरन मैन है वो रावण को किसी भी तरह से ओवर पावर कर सकता है, उसे कैद कर सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमारा विजेता निकल कर आएगा वो होगा आयरन मैन। बैटल नंबर 3, राका वर्सेस कैप्टन अमेरिका। तो यार जो राका है, हम सभी को पता है कि वो फ्लाइंग जेट का मेन विलन है एंड उसकी क्या क्या सुपर पावर्स है एंड उसकी पावर्स का सोर्स क्या है। बट वहीं अगर मैं बात करूँ कैप्टन अमेरिका की, तो कैप्टन अमेरिका को भी हम जानते हैं कि वो एक सुपर सोल्जर सीरम की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वो एक सुपर ह्यूमन बन पाए हैं, या यूं कहें एक सुपर हीरो बन पाए हैं। बट उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका जो फिजिकल फॉर्म है, यानी कि उनकी जो बॉडी है, उनकी अपने आप में कुछ लिमिटेशन है। जी हाँ, उनकी स्ट्रेंथ लिमिटेड है एंड उसका हीलिंग पावर भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी राका की है। बट अगर कैप्टन अमेरिका के पास म्योनीर आ जाता है तो वो राका को बीट कर सकते हैं। बट जो म्योनीर है, कैप्टन अमेरिका खुद उसे पीछे वक्त में छोड़ आए हैं और खुद बूढ़े हो चुके हैं, तो यहाँ पर म्योनीर के वापस आने के चांसेस तो नहीं है फिलहाल में। बट हम बूढ़े कैप्टन अमेरिका को पीछे कर कैप्टन अमेरिका का नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर ले सकते हैं विदाउट म्योनीर वाला। तो यार वो जो फॉर्म है वो राका के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हर मायने में जो राका है वो कैप्टन अमेरिका से आगे है सिवाय स्किल्स एंड वर्दीनेस के मामले में। बट इन सब का यहाँ पर उतना काम नहीं होगा, क्योंकि यार स्ट्रेंथ यहाँ पर मेन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर राका विनर है भाई। नेक्स्ट बैटल, कार्ल वर्सेस कैप्टन मार्वल। तो यार कार्ल को भी हम सभी जानते हैं कि वो क्रिश 3 मूवी में क्रिश का मेन विलन रह चुका है एंड साथ ही में वो क्रिश का नाजायज भाई भी है, आई थिंक है ना, नाजायज ही है या फिर सगा। खैर ये उनका पर्सनल फैमिली मैटर है, वैसे हम यहाँ पर उसे मेन विलन मान के चलते हैं। तो जो राका है उसके पास हम सभी को पता है कि मैग्नेटो लाइक पावर्स है, वो मैग्नेट को तो कंट्रोल कर सकता है एंड साथ ही में वो मैग्नेट के साथ कई सारे अनदर्स चीज को भी कंट्रोल कर सकता है। बट वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ कैप्टन मार्वल की,
तो कैप्टन मार्वल को जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो बेसिकली एक ह्यूमन है, बट उन्हें एक इन्फिनिटी स्टोन के जरिए पावर्स मिली थी, एंड एक इन्फिनिटी स्टोन के जरिए पावर मिलने की वजह से वो कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। एंड वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने थैनोस को बस अकेले ही ख़त्म कर दिया था, एंड साथ ही में वो पावर स्टोन के पंच से भी सर्वाइव कर गई थी। मतलब पंच उन्हें लगा था, असर हुआ था, बट जिंदा तो बची थी ना। बट वहीं अगर मैं बात करूं काल की, तो यार काल को क्रिश नहीं निपटा दिया था तो वो कैप्टन मार्वल से कहां भिड़ेगा। ऑब्वियसली यहां पर कैप्टन मार्वल ही विजेता होगी। बस कैप्टन मार्वल से गुजारिश है कि भाई मेटल की चीजों से बस दूर रहना इस बैटल में, क्योंकि मेटल आपकी वीकनेस बन सकती है यहाँ पर। बाकी तो कैप्टन मार्वल ही जीतेगी। अब हमारी जो नेक्स्ट बैटल है वो है ब्लैक विडो एंड हॉकाई वर्सेस इविल रोबोट के बीच में। तो यार जो इविल रोबोट है वो हमें रोबोट एंड रोबोट 2.0 मूवी में देखने को मिल चुका है, एंड दोनों ही मूवी में हमने देखा है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो अकेले ही कितनी ज़्यादा तबाही मचा सकता है। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ ब्लैक विडो एंड हॉकाई की, तो मुझे नहीं लगता मेरे भाई कि वो रोबोट के सामने टिक पाएंगे। रोबोट क्या यार, इविल रोबोट के सामने भी क्या ही टिक पाएंगे वो, क्योंकि यार वो अल्ट्रॉन को नहीं निपटा पाई है, तो फिर भी चिट्टी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो चिट्टी है वो बाजी मर जाएगा। अब जो हमारी लास्ट बैटल है वो होने वाली है आज की हमारी सबसे ज्यादा ग्रैंड एंड सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा विध्वंसक बैटल, जो कि होने वाली है थॉर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस धर्मराज केलवेश के बीच में। जी हाँ, धर्मराज केलवेश, एंड जो ये वाला सुपर विलन है, इस सुपर विलन को हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर दो सबसे ज्यादा पावरफुल अवेंजर्स को लिया है धर्मराज केलवेश को हराने के लिए। तो मैंने यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को इसलिए लिया क्योंकि जो धर्मराज केलवेश है वो दोरमामू के लेवल का सुपर विलन है। उसके पास मैजिक की कई सारी ऐसी ताकतें हैं, ऐसी जादुई शक्तियां हैं जिसकी मदद से वो पूरी अवेंजर्स की टीम का अकेले ही निपटा दे। तो यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो उसे मैजिकली इंचेंटमेंटली, शायद मैंने प्रोनाउंसिएशन ठीक किया, इंचेंटमेंट ऐसा जैसा बोलते हैं उसको कुछ, या फिर मैजिकली तरीके से धर्मराज केलवेश का सामना कर सकते हैं। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ थॉर की, तो थॉर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के बल पर धर्मराज केलवेश का सामना कर सकता है। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज एंड थॉर दोनों मिलकर धर्मराज केलवेश पर अटैक करेंगे, तो यार धर्मराज केलवेश का सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल मुझे यहाँ पर लगता है। एंड थॉर तो यार साथ में ये गॉड भी है, तो उसके पास कई सारी अनदर ऐसी एबिलिटीज है जिसकी मदद से वो धर्मराज केलवेश को रोक सकता है, एंड साथ ही में उसका साथ देने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज तो है ही। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे थॉर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी लगता है, मेरे हिसाब से वो जीतते हैं। बट मैं इस बैटल को टाई करना चाहूँगा क्योंकि ये बैटल होने वाली है पीपल्स चॉइस के ऊपर, यानी कि जो पीपल्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वही होगा हमारा आज का चैंपियन। तो ऑब्वियसली जाओ नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिखो, जिसका नाम आप लिखोगे, जिसके नाम पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे वही होगा इस बैटल का विजेता। सो इस बैटल को करते हैं फिलहाल टाई। सो अब जो स्कोर बोर्ड है हमारा वो यहाँ पर निकल कर आता है कुछ इस प्रकार से। जो हमारे इंडियन सुपर विलन्स हैं उन्होंने गेन किए हैं 2 points, बट वहीं जो अवेंजर्स की टीम है उन्होंने गेन किए हैं 3 points। तो ऑब्वियसली हमारे जो विजेता है विनर्स है वो यहाँ पर निकल कर आते हैं अवेंजर्स। लेट्स देम अ बिग हैंड फॉर देम। या वो मैं कुछ ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ, सॉरी। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक करना, नया अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, एंड ऑल पे सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, आपको मजा दिलाता रहता हूँ। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, खत्म हो गया वीडियो। बस अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो इस वीडियो को डिसलाइक मत करना, क्योंकि इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा मेरी ही एंगेजमेंट बढ़ेगी, मेरी ही वीडियो ज़्यादा सजेस्ट होगी लोगों को। बस अगर आपको अपना हिट देना ही है तो कमेंट बॉक्स में जाओ, कुछ अच्छे कमेंट्स करो, मतलब कुछ ऐसे कमेंट्स करो जिसमें लॉजिकल रीज़न बताए हो, तो उससे मुझे ही बुरा लगेगा कि भाई मैंने गलत बताया। बस बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। मैं कह रहा हूँ फिर बार बाय बाय, टिकट गुड बाय, और किसी नए टॉपिक का सजेस्ट देना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। सुनाओ गुड बाय, टिकट बाय बाय।